खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आतंकवाद पर बनी फिल्म ब्लैंक 3 मई को रिलीज होने जा रही है, जिसमें सनी देओल प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। वो इस फिल्म में एटीएस चीफ बने हैं, जो आतंकवाद के एक मामले की जांच करते हैं। आतंकवाद पर आधारित है ये फिल्म, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्लैंक फिल्म के को प्रोड्यूसर विशाल राणा, इन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बहुत अजीब सा संयोग सा हुआ है कि सनी देओल की फिल्म आ रही है जो आतंकवाद पर आधारित है, और इस बीच उन्होंने ऐलान कर दिया है और बीजेपी की सदस्यता ले ली है, गुरदासपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या ऐसा आपको पता था कि सनी देओल चुनाव इलेक्शन लड़ेंगे, किसी पार्टी में शामिल होंगे, और इस फिल्म की रिलीज को उस तरह से प्लान किया था आप लोगों ने ताकि उन्हें फायदा हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने पिक्चर शुरू की थी, पिक्चर हमने लास्ट ईयर शुरू की थी और इस साल हमें फिल्म रिलीज करनी थी किसी भी उसमें, हमने एक दो डेटें ढूंढी, तो वी वॉन्टेड अ डेट जो एकदम क्लीन हो, जहाँ कोई और पिक्चर रिलीज ना हो। हमने काफ़ी सारी पहले भी डेट्स ढूंढनी चाहिए, अप्रैल में हम रिलीज करना चाहते थे, फिर एक रॉ करके फिल्म आई जो वो भी ऐसे ही आता जॉन अब्राहम की, उनकी भी स्पाई पे थी और देशभक्ति पे थी और काफ़ी चीज़ें थी। तो सनी सर हमेशा एक देशभक्ति वाली फिल्मों में, पेट्रियोटिक फिल्मों में के लिए जाने जाते हैं, और एक मिसाल है अपने आप में, बहुत सारी फिल्में उनके नाम पे, तो ये भी वैसी फिल्म थी और एक्शन है, सनी सर है। तो हम एकदम क्लीन एक रिलीज ढूंढ रहे थे, तो हमको 3 मई की जो डेट थी वो खाली थी, और हमें लगा कि राइट टाइम है, बिकॉज अभी छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की फैमिली जा सकती हैं, इट्स अ फैमिली फिल्म, तो एक कोइंसिडेंट है। पर उनका चुनाव वाला है ये हमें कोई पता नहीं था, हमें कोई मालूम भी नहीं था, और हमने तो सुना भी बाहर से, हमें तो सनी सर ने कोई बताया भी नहीं। अच्छा। ना उनके किसी स्टाफ ने बताया, हमें तो बाहर से, कि बल्कि मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया सुबह सुबह कि सनी सर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया 2 दिन पहले आई थिंक, और सुबह 11 बजे के आसपास, तो आई वॉज नॉट इवन अवेयर। और हमसे सनी सर ने कभी ऐसी बात की नहीं, एंड इज अ वेरी शाई पर्सन इन रियल लाइफ, ज़्यादा बात करते नहीं है, बहुत चुप चुप रहते हैं, और मतलब से बात करके फिल्मों के पैशन है उनका, और मैंने कभी उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलते सुना ही नहीं है। मैंने कभी उनके ओपिनियन नहीं सुनी, उनके विचार नहीं सुने, तो आई वॉज नॉट अवेयर बेसिकली। तो इट्स अ कोइंसिडेंट, शेयर कोइंसिडेंट, बट या उनको तो ये फिल्म रिलीज की तारीख कब आप लोगों ने तय की थी कि कब रिलीज कर, ये कब डिसाइड हो गया था कि फिल्म 3 मई को रिलीज होगी? ये हमने जनवरी में डिसाइड कर लिया था, बिकॉज जनवरी 11th हमने पहले पिक्चर डेट अनाउंस की थी। तो जनवरी 11th को उरी रिलीज हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उरी भी सेम टॉपिक पे फिल्म थी, टेररिज्म, आर्मी, तो हम चाहते थे कि डेट जहाँ ऐसी कोई पिक्चर ना हो, क्योंकि पिक्चर को अफेक्ट करता है और हार्म करता है जब सेम टॉपिक पे एक फिल्म आती है। तो 11th जनवरी हमारी ओरिजिनल डेट थी, पर आप मानेंगे नहीं, उसके बाद हमने हर 2 हफ्ते फिल्म रिलीज करने की ट्राई करी। अच्छा। डेट सोचते थे, उससे अच्छा। पहले एक दूसरी पिक्चर आ जाती थी। अच्छा, बड़ी फिल्म आ बड़ी फिल्म आती, दे दे प्यार दे बीच में रिलीज हुई थी, मेंटल है क्या रिलीज हुई थी, अक्षय सर की केसरी रिलीज हुई थी, तो बहुत सारी फिल्में थी और बड़ी फिल्में थी, और हम तो ये डेट हमने तकरीबन मार्च में फिर हमने ये डेट फ्रीज की थी कि अभी मई 3rd को हम आएंगे, बिकॉज हमारा 1 साल ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा फिल्म शुरू किया, तो हम चाहते नहीं कि फिल्म ज्यादा डिले हो। जब सनी पाजी बीजेपी में चले गए हैं और गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, तो अब सब लोगों के मन में ये सवाल तो उठना लाजमी है, सबके मन में ये सवाल आएगा कि इस फिल्म की टाइमिंग जो है, रिलीज की टाइमिंग चुनाव के वक्त रखी गई है, उससे मैच की गई है, इन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे जो लोगों के मन में शंकाएं आएंगी? अभी तक तो कोई शिकायत वैसे इलेक्शन कमीशन में पहुंची नहीं है, किसी ने शिकायत की नहीं है, लेकिन हो सकता है इस फिल्म पे रोक लगाने की मांग हो, क्योंकि एज अ कैंडिडेट उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश है ये फिल्म, ऐसा कहा जाए? सी, जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो होता है, जो पीएम मोदी जी की फिल्म के बारे में हुआ, तो हमारी फिल्म कहीं भी सनी सर की पर्सनल लाइफ पे नहीं है, और कहीं भी उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं हम, या ना उनकी बायोपिक है ना उनकी पर्सनल लाइफ है। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो टेररिज्म के ऊपर है। हम एक चीज बोलना चाहते हैं जो हर इंसान फिल्म देख के जब निकलेगा बाहर, तो यही बोलेगा कि हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक आम इंसान हूँ। लाइक आपने वेनसडे देखी थी, वो लास्ट में बोलते हैं हर आम आदमी यही चाहता है कि मैं एक दिन ये सब कर दूँ, होता नहीं है। तो ये फिल्म हमारी उस तरीके से है, तो चुनाव, वही बोल रहा हूँ, कोइंसिडेंटल है,
आपका ये भी कहना है कि ये सनी को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म नहीं है, उनकी बायोपिक नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, तो इसलिए इस फिल्म को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसलिए कोई शिकायत शायद ही की जाए इसके बारे में। राइट, मुझे नहीं लगता किसी को शिकायत करनी भी चाहिए इस फिल्म में। जस्ट अ फिल्म है एंड इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडियम, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स नॉट आर्टी फिल्म, इट्स नॉट डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू ड्रामा। सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। और पॉलिटिक्स उन्होंने आज ज्वाइन किए, उससे पहले तो वो एक अभिनेता है, एक एक्टर है जो काम कर रहे थे और हमने बहुत सारे पैसे लगाए हुए फिल्म में। तो हमने तमाम प्रोड्यूसर्स हैं, कई प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के। कभी आप लोगों के मन में ये सवाल उठा कि इस तरह की बातें लोग करेंगे या कोई शिकायत हो सकती है, इस बारे में कोई चर्चा हुई? अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं हमारे दिमाग में। आपने बोला है तो मुझे भी थोड़ा सा अभी लग रहा है कि भाई ऐसा कल को कुछ आना चाहे तो मैं भी अपनी तैयारी पूरी रखूं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमने अब तक ऐसा कोई डिस्कशन या कोई एक्शन या कोई स्टेप लिया नहीं है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की सनी सर जी की, पहले बताया नहीं आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपके प्लान्स क्या है, कुछ ऐसे? नहीं सर, क्या है कि उनका पर्सनल वो है डिसीजन, हमसे तो पूछ के उनकी लाइफ चलती नहीं है। अब उनसे पूछ के हमने भी रिलीज डेट डिसाइड नहीं की थी। हमने एज ए प्रोड्यूसर उनको बोला था, उन्होंने हमें पूरा फ्रीडम दिया था कि एज ए प्रोड्यूसर जो भी आप करना चाहते हैं, जब भी रिलीज डेट देखना चाहते हैं आप देखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और ट्रेलर लॉन्च हुआ तब तक तो कुछ बीजेपी की उनकी बातें भी नहीं थी, अभी लास्ट मंथ ही किया था और किसी ने पूछा नहीं था। ये एकदम आई डोंट नो कब हुआ, अचानक हुआ, हमें तो पता भी नहीं था। मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि 11 बजे ऐसे ऐसे करके सनी सर ने ज्वाइन किया। बट सनी सर वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम कि देश को ऐसे नेता चाहिए, आई थिंक जैसे वो स्क्रीन पर दिखते हैं और वैसे ही रियल, उससे अच्छे अमल की रियल लाइफ में। तो विशाल, फिल्म में आपने तो बताया कि फिल्म सनी के बारे में नहीं, सब जानते कि फिल्म सनी के बारे में नहीं, लेकिन उन्हें एक ऐसे अभिनेता के तौर पे पेश करती है जो पेट्रियोटिक है, जो देश के लिए कुछ करता है, एक जो आतंकवादी साजिश है उसे रोकने की कोशिश, एक सुसाइड बॉम्बर है उसे रोकने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सनी की जो छवि है, पूरा चुनाव जो है बीजेपी राष्ट्रवाद पे ही लड़ रही है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाकर ही लड़ रही है जो हर रैली में, तो कहीं ना कहीं जो फिल्म में जो कहानी है, जो कैरेक्टर है सनी का, वो भी देशभक्त का दिखाया गया जो उनको हेल्प करेगा अल्टीमेटली चुनाव में? ये देशभक्ति वाली फिल्म नहीं बोलूंगा, ये ड्यूटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल आदमी की फिल्म है कि मैं अगर खड़ा हूं और मैं ड्यूटी पे हूं तो आप अश्योर कर सकते हैं कि आप आराम से रात को सोएंगे। ये इस फिल्म का एक मुद्दा था कि एक टेररिस्ट आया है तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था, एक ऐसा ऑफिसर चाहिए उसमें कि जिस पे रिलाय करके वो टेररिस्ट से हम इन्फॉर्मेशन निकाल सके और वो टेररिस्ट का पूरा जो भी करना चाहता है वो बंद कर सके। और आप फिल्म कैसी ट्रेलर में भी देखा होगा, वो खड़े हैं और बोल रहे हैं कि एकदम उसको उसका बाप भी बोलेगा, एक लाइन है उसके अंदर। तो इज द ओनली मैन हु कैन रेजोनेट विद दिस आइडिया एंड वी अ सिंगल मैन आर्मी। विशाल, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखने जाएं और उनके काम को सराहे, आप लोगों के काम को सराहे। थैंक यू सो मच, हमें भी आपकी वो चाहिए विशेस। हम चाहते हैं पिक्चर हिट हो, हम और अच्छी पिक्चर बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं और लोगों को अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट दे सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू एबीपी न्यूज फॉर कवरिंग दिस। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।